33 years after statehood, Goa still does not have its own high court. If a proposal is received for an independent high court for Goa, the ministry will consider it, said Union Minister of State for Law and Justice S.P. Singh Baghel. The implementation of the Uniform Civil Code throughout India is on BJP's agenda, Baghel said. भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जैसे काशी मथुरा था, अयोध्या था, वाराणसी में सत्तासी पैंतीस था, सत्तर तलाक था, ऐसी कॉमन सिविल कोड बीजेपी की एजेंडे में निश्चित तौर पर पूरे देश में एक दिन कॉमन सिविल कोड होगा और होना भी चाहिए। ये एक देश है, एक राष्ट्रीय ध्वज है, एक राष्ट्रीय गीत है, एक राष्ट्रीय गान है हमारा, तो एक कानून भी होना चाहिए। कबीलों का देश नहीं है और कबीले की संस्कृति नहीं चलना चाहिए, बल्कि एक यूनिफॉर्म स्विमिंग पूल आना चाहिए। गोवा स्टेट की मांग रही है बहुत पहले से कि हाईकोर्ट इंडिपेंडेंट हाईकोर्ट बनना चाहिए स्टेट सिमिलर गोवा स्टेट। इसके लिए बिल्कुल एक वो है कि सर्किल बेंच का तो यह कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट सीएम और गवर्नर को भेजते हैं, वहाँ से कभी भी जब फुल कंप्लीट प्रपोजल आता है तो सरकार विचार करती है उसको। सर, सुप्रीम कोर्ट has already started live streaming of trials on YouTube. So Goa bench will be able to start it. Karnataka already started. सुविधाएं मिलने पर सबको कहा गया है कि हाई कोर्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उनका अपना अलग बजट है, वो जब चाहे तो ये कर सकते हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में आपका क्या ख्याल है? गोवा में भी ऐसी बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके बारे में बहुत पॉजिटिव। अब आप ये देखिएगा कि लव देहात कोई एक जुमला नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटजी बना के, एक रणनीति बना करके एक धर्म विशेष के लोग एक धर्म विशेष की लड़कियों को प्रभावित करते हैं। तो अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो कोई बात नहीं है, इसमें जात धर्म क्षेत्र कहीं आड़े नहीं आता है, लेकिन एक रणनीति बना के करते हैं तो ये गलत है। प्रसाद पोलची फॉर हेरल्ड टीवी।